दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप या आपका कोई भी परिचित 6 महीनों की पेड मैटरनिटी लीव ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज भी हो जाता है तब भी आपको पेड लीव मिल सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 12 दिसंबर 1961 को हमारे संसद भवन में स्पेशली वीमेंस के लिए एक कानून पास किया गया जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार फीमेल इंडिया में चाहे कहीं भी रहती हो, किसी भी कंपनी में काम करती हो, जैसे वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप इनमें से चाहे किसी भी फील्ड में काम करती हो, आपको पेड मैटरनिटी लीव दिया जाना आपका अधिकार भी है और आपके एम्प्लॉयर का दायित्व भी। तो आइए समझते हैं पेड मैटरनिटी लीव आप कैसे लें। दोस्तों, पेड मैटरनिटी लीव आप दो तरह से ले सकते हैं, पहला ईएसआईसी के थ्रू, सेकंड है डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू। तो पहले समझते हैं ईएसआईसी के थ्रू कैसे लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपका 21,000 तक का वेजेस है और आपका ईएसआईसी कटता है तो आपकी सैलरी का 100% आप ईएसआईसी से डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैटरनिटी से आने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईएसआईसी से पेड मैटरनिटी लीव लेने के लिए आपको लीव पे जाने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर या अपनी कंपनी को लिखित में इंफॉर्मेशन देनी होती है और ये बताना होता है कि आप उस डेट से लीव पर चली जाएंगी। साथ ही आपको ईएसआईसी से एक प्रेगनेंसी रूटीन चेकअप की पर्ची भी बनवा लेनी चाहिए ताकि आपको इन फर्दर थोड़ी सहूलियत हो। वहीं अगर अनफॉर्चुनेटली आपको मिसकैरेज भी हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी 6 वीक की पेड लीव दी जाती है। और अगर आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल रहती है और 6 महीने बाद जब आप ऑफिस रिज्वाइन करते हैं उस टाइम पर आपको इस तरह का ईएसआईसी का फॉर्म भरना होगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ईएसआईसी ऑफिस में जाके, जहां पे भी आपका ब्रांच ऑफिस है, वहां पर जाकर आप पेड मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, यानी कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है और आपका ईएसआईसी नहीं है, तो फिर आपको मैटरनिटी लीव पूरा होने के बाद रिज्वाइन करते टाइम रिटर्न में एक एप्लीकेशन अपने एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्ट को देनी है और अपने उस पीरियड की सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है जब आप मैटरनिटी लीव पर थे। फिर आगे आपका एम्प्लॉयर या आपका कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्रूव करेगा और 6 महीने की आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।